की सेफ्टी से रिलेटेड बातें हम आपको बताते रहते हैं, आपको अपनी कैसे सुरक्षा करनी है। सेल्फ डिफेंस भी करवाते हैं ना? यस। तो आज हम आपको गुड टच और बैड टच बताएंगे। गुड टच, गुड टच जैसा कि तुम्हें बोलने से पता चल रहा, गुड माने अच्छा, टच माने छूना। तो गुड टच जो टच मतलब जिस छूने से हमको अच्छा लगे, हमको या तुमको जिसको भी छूने से अच्छा लगे वो होता है गुड टच। बैड टच कई बार जैसे बसों में ले जाते हैं, कहीं सड़क पे जाते हैं, कोई छू गया, ऐसे कर गया, यहाँ से छू लिया, यहाँ से छू लिया, तो वो आपको बुरा लगता है ना। कई बार बाजार में जाते हैं लोग, बाजार में जाते हैं हम सब, कोई छू लेता है तो हमको बहुत बुरा सा लगता है ना, ये कैसे छू लिया इसने, तो वो होता है बैड टच। जो जिसको छूने से अच्छा लगे वो गुड टच, जिसको छूने से बुरा लगे वो बैड टच। अब गुड टच में जैसे टीचर हो गए, हम आपको छूते हैं, ये हो गया, ये हो गया छूना, ये होता है गुड टच। ठीक है, तुमको बुरा तो नहीं लग रहा मैंने ऐसे छुआ? नहीं लग रहा ना, तो ये है गुड टच। अब मैं ही तुम्हें खड़े हो जाओ, जरा ऐसे करके कुछ करने लगू, यहाँ पर ऐसे मतलब खड़े करके मैं ऐसे करने लग जाऊ, बुरा लगेगा ना, लेकिन मैडम कैसे पकड़ लूंगी। ठीक है, ये है बैड टच। और गुड टच हमें कौन कौन कर सकता है? टीचर कर सकते हैं गुड टच, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके रिलेटिव कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं जो बैड टच करते हैं। आप सब इतने बड़े 10 साल के बच्चे हो, लगभग 9 और 10 साल के बच्चे हो, तो आपको पता होना चाहिए गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। कई बार हमारे रिलेशन में भी होते हैं बहुत लोग जो बैड टच कर जाते हैं, तो उनको हमें क्या करना है? ना, मना करना है। अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आप उसको मना, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, अब मैं आपको एक गुड़िया के द्वारा बताऊंगी गुड टच और बैड टच। ये डॉल है, क्या है ये? डॉल। डॉल है, इसने कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, हमारी तीन जगह ऐसी होती है जहां से बैड टच होता है। ठीक है, तीन जगह कौन कौन सी है बता सकते हैं? नहीं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ये तीन जगह हमारी ऐसी हैं जहाँ पे कोई छुए तो बैड लगता, बुरा लगता है। ठीक है, ये हमें आपने देखा है, हम उन चीजों को ढककर रखते हैं ना। यस मैम। जो चीजें ढक के रखी जा रही हैं उनको हमें सेफ रखना है, कोई इनको टच ना करे। इनका क्या है, ये सिर्फ आप ही इनको टच कर सकते हो, जैसे नहाते समय आप इनको देख सकते हो, आप इनको टच कर सकते हो, या आपकी मम्मी नहला रही है तो वो टच कर सकते हैं। आपके घर में जैसे किसी किसी के घर में कोई नौकर भी होते हैं तो वो कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, तो वो हो सकता है। ठीक है, और कोई अदर पर्सन नहीं। कई बार कई लड़कियां भी होती हैं जो बुरी तरीके से छू देती है। ठीक है, तो बैड टच समझ में आ गया आपको? यस मैम। बाकी जगह पर सर पे हाथ रखेंगे गुड टच, यहाँ पे हाथ रखा गुड टच। और टच करने का भी तरीका होता है, अब इसी को कोई यूं करके कर देगा तो ये बैड टच हो जाएगा। यस। कान खींच लिया वो भी बैड टच हो जाएगा। ठीक है ना, जो मतलब हमको पता चलता है छूने से ही कि ये गुड टच है और ये बैड टच है ना, कोई सामने वाले की नजरों से भी पता चल जाता है कि हमें बंदा कैसे देख रहा है या कोई बंदी कैसे देख रही है। जब कोई देख रहा है लड़ाई झगड़े में भी एकदम एंग्री से हो जाते हैं, है ना, चेहरा एकदम गुस्से में आ जाता है, और उसमें भी लड़ाई झगड़ा वो भी बैड टच होता है। ठीक है, समझ गया ना आपको? तीन चीजें हमें सेफ करके रखनी होती है हमेशा, बचपन से लेकर और जब तक हमारी जिंदगी है तब तक ये तीनों चीजें हमें सेफ करके रखनी होती है, इनको कोई हाथ ना लगाए। ठीक है, समझ गए बच्चों? यस मैम। ये तो हो गया गुड टच और बैड टच। और जब कोई बैड टच करते हो तो करना क्या है? माना किसी ने यहाँ से छू दिया तो फिर तुम उसको क्या कहोगे? क्या कर रहे? ठीक है, या शोर मचाना है आपको। आपने पक्षियों को जानवरों को भी देखा होगा, अरे कुत्ते को भी देखा होगा, कुछ मारो पत्ते भाग जाते हैं ना, या तो फिर भौंकने लग जाते हैं।
लिए, सेफ्टी के लिए। किस लिए? सेफ्टी के लिए। तो आपको कोई बैड टच करेगा तो आपको भी अपनी सेफ्टी करनी है। यस मैम। या तो उसको मना करना है, अगर मतलब कर सकते हो, हिम्मत दिखाना है तो, या तो मना करना है आपको या फिर वहां से भाग जाना। और ऐसे कोई करता है बार बार, एक बार कर दिया, आपने मना कर दिया, मान गया तो ठीक है, अगर वो दोबारा भी करता है, वैसे तिबारा भी करता है, तो आपको क्या करना है? अपने शोर भी मचाना है और अपने मम्मी को भी बताना है, अपनी मम्मी को भी बताना है कि वो बार बार ऐसे करता है या करती है, ठीक है ना? क्योंकि तभी वो आपकी एक्शन ले पाएंगे उनके खिलाफ, ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको बार बार परेशान करेगा। कुछ ऐसे, हाँ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, किसी ने छुआ बैड टच, अब जरा किसी को बताना मत, अगर किसी को बताया तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुम्हारे भाई को मारूंगा या तुम्हारे मम्मी को मारूंगा, है ना? बोल रहे फिल्मों में देखा होगा ना, फिल्मों में और सीरियल्स में ऐसा आता है ना, किसी को बताना मत, तो बच्चा क्या रहेगा, फिर डरा डरा सा रहेगा, डरा डरा सा रहेगा, तो वो पेरेंट्स को और क्लास टीचर को, मतलब टीचर्स को भी पता चल जाता है। अगर आपको भी अपनी फ्रेंड के बारे में कभी ऐसा लगे कि आपकी कोई फ्रेंड ऐसे कर रही है, कोई डर से रही है, कुछ उसका नेचर अलग हो गया पहले से, तो आप उससे प्यार से पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकती हूँ। मुझे जैसे कोई लगेगा किसी बच्चे को कि भाई ये बहुत सीरियस रहता है बच्चा, पहले तो ठीक था अब ये सीरियस है, तो मैं भी पूछ सकती हूँ इतना सीरियस हो गया क्या होगा, तो मुझे उससे प्यार से पूछना चाहिए। अगर आपको कोई फ्रेंड ऐसे करती है, सीरियस हो जाती है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो आप उसको फ्रेंडशिप दिखाओ और पूछो क्या बात है, क्यों ऐसे हो रही है ना, पूछते ना। yes,